तो आज मैं बात करने वाला हूँ पायल दीदी के सो कॉल्ड भाई स्टार अमित के बारे में। नहीं, थोड़े दिन पहले पायल दीदी का रोस्ट आ गया था यार, अमित भाई का तो जरूर ही आना था। दोनों भाई बहन है ना, तो करना पड़ेगा यार। ये दुनिया में ऐसा दूसरा बंदा है जो किसी से भी कंट्रोवर्सी कर सकता है, वो पहले नंबर पे तो पायल दीदी है ना, उनको कोई नीचे नहीं उतार सकता। देखो भाई गाइस, अगर आप लोग यूट्यूब पे मुझे जानते हो तो फिर पायल जी उनको भी जरूर जानते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों मेरी जो ऑडियंस है उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि पायल जी उनको जानते हैं एंड पायल जी उनकी वीडियोस को देखते हैं। अरे अब तो भाई नहीं मान ले कि वो भी क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ हमारे ऊपर काफी सारे रोस्ट वीडियो बनते हैं मुझे पता है, लेकिन गाइस हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कंटेंट होता है वो आप लोगों को हंसाने के लिए होता है, ना कि किसी यूट्यूबर को हर्ट करने के लिए। ये दूसरे बंदों पे झूठे एलिगेशन लगा के लोगों को हंसाता है, ना कि किसी को हर्ट करता है। बड़ी अच्छे से बात कर रहे हो भाई आप तो। अमित भाई कुछ तो दिमाग वाली बात कर लग रहे हैं। ओहो मैं भूल ही गया, दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग होता तो आजकल ऐसी वीडियो बनाता क्या? यार इसकी रोस्ट वीडियो रोस्ट नहीं होती है, ये तो डायरेक्ट आके गालियां बकता है यूट्यूब पे। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे बंदे के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करनी, क्योंकि मेरे को गालियां नहीं आती। अरे अमित भाई तू गाली खाने लायक ही है, और तू क्या सोच रहा है लोग तुझे रोस्ट करेंगे? वो तो बस मैं ही हूँ, एक ऐसा भले इंसान जो बिना गाली के रोस्ट करा तुझे। हमारे अमित भाई एक बार सही लाइन पे चल रहे थे व्लॉगिंग की, पर इनको पसंद कहाँ आया यार, थोड़ी व्यूज डाउन हो गए। व्यूज डाउन हो जाएंगे तो पैसे डाउन हो जाएंगे, तो काम कैसे चलेगा यार, फिर से यार एक्सपोजिंग में आ गए भाई। तो गाइस बस इसी वजह से मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज यार उसकी जो वीडियो रहती है एकदम घटिया रहती है एंड वो अपनी हद से पार चला जाता है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख तो लो कौन बोल रहा है, एंड वो अपनी हद से पार चला जाता है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ यार भाई तो अपनी हद पार कर ही नहीं सकते यार, बस ये फेक ही तो वीडियो बनाते हैं और थोड़े झूठे झूठे एलिगेशन ही तो लगा देते हैं, और फेक वीडियो बना के किसको मार सकते हैं, यूट्यूब पे पागलपन फैला सकते हैं, यूट्यूब पे क्रिंज का बवंडर ला। जोगिंदर भाई आपको टारगेट नहीं कर रहा, यूट्यूब पे क्रिंज का बवंडर ला सके है, पर अपनी हद कभी पार नहीं कर सकते भाई। ये तो उन लोगों को पागल बनाते रहेंगे, मगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप पागल ना बनियो, वैसा आप एक तरीके से होशियार बन सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।